थैंक यू मनु। थैंक यू क्यों? खाना तो तुम लाई। रेनकोट के लिए। हे भगवान, ये खिड़कियां किसने खोली? मैंने। क्यों? बारिश तो रुक गई। अरे ये रुकने वाली नहीं है, फिर शुरू हो जाएगी। रहने दो ना नीरू, इतने दिनों बाद तुम्हें उजाले में देख रहा हूँ। कहा था ना मन्नू, किसी ने हमें अकेले देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? हाँ वो दुकान वाला भी पता नहीं कैसा है, थोड़ी सी बारिश क्या हुई कि दुकान बंद करके सो गया। उसे उठाकर गर्मा गर्म पूरियाँ बनवाई हैं तुम्हारे लिए। ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों, तुम्हारे खाने पीने का ख्याल तुम्हारी सेक्रेटरी रख सकती है? नहीं, वो नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, तुम आज कैंडल लाइट लंच कर लो। अच्छी है गर्जोसी नहीं। अब तुम ही बताओ मन्नू, अगर मुझे ही किचन में जाना पड़े तो इतने नौकर को पालने का क्या मतलब? खाना बनाती हो कभी? कभी कभार। जब वो घर पर होते? वो किचन में जाने दे तब ना, बोलेंगे फिर इतने नौकरों को पालने की क्या जरूरत है। तो क्या हुआ, कभी कभार बीवी के हाथ का खाने का दिल नहीं करता? अब पहले जैसा बनाया नहीं जाता मन्नू, सब आदत की बात है, ना करने से आदत छूट जाती है। चलो खा लो। किसी फ्राइडे अगर तुम खिचड़ी की जगह दो पूरियां खा लोगी तो तुम्हारा डाइटिशियन नाराज हो जाएगा? जरूर होगा, नाप तोल के खाना पड़ता है मिस्टर। महीने का कितना देना पड़ता है मालूम? फिर वजन लेते हैं, चार्ट बनता है, उसी हिसाब से। पूरियों की बात मत बताना। ठीक पकड़ लेंगे, आजकल खूब पार्टियां चल रही है। बोला था ना कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना, जरूर कुछ फ्राइड खाया होगा। कह देना मेरे बॉयफ्रेंड ने जबरदस्ती खिला दिया। अकेले हम नदिया किनारे।